नमस्कार साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अब इस बात पर उचित ही गर्व करते देखा जाता है कि सदियों से समाज के हाशिए पर डाल दी गई महिलाएं भी अपनी प्रतिभा के बल पर पुरुषों के समकक्ष खड़ी देखी जाने लगी है। इस क्रम में दुनिया की अनेक महिलाओं के उदाहरण दिए जाते हैं, मगर हमारे देश में अक्सर इस बात को लेकर असंतोष भी जताया जाता रहता है कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के शीर्ष पर महिलाएं नहीं पहुंच पाती। इसमें पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को दोषी भी ठहराया जाता है, मगर अब ऐसी शिकायतें भी धीरे धीरे छटनी शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश की कतार में महिला न्यायाधीशों के खड़े होने से काफ़ी संतोष और खुशी व्यक्त की गई। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति के रूप में शांति श्री पंडित के चयन को भी देखा जा सकता है। वे इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति होंगी। चूंकि देश का यह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उस पर सबकी नज़र रहती है। कई बार दबी या मुखर जवान में सवाल पूछे जाते रहे हैं कि क्या वहाँ कोई ऐसी एक भी महिला प्रोफेसर नहीं हुई जिसे वहाँ का कुलपति बनाया जा सके। दूसरे विश्वविद्यालय से ही सही, शांति श्री पंडित के इस पद पर चयन से निसंदेह ऐसे सवाल करने वालों को कुछ संतोष मिला होगा। पैराग्राफ। विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्थान होते हैं, इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय की शाख स्वाभाविक रूप से उसके कुलपति से जुड़ जाती है। कुलपति का नज़रिया ही परिवेश में दिखाई देता है। वहाँ होने वाली नियुक्तियों, शिक्षा शास्त्र और पढ़ाई लिखाई के वातावरण, व्यवस्था आदि में कुलपति का व्यक्तित्व ही देखा परखा जाता है, क्योंकि आखिरकार विश्वविद्यालयों की संपत्ति वहाँ के अकादमिक लोग ही होते हैं। मगर पिछले कुछ सालों से जिस तरह विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्तियों आदि को लेकर गुणवत्ता से समझौते होते देखा जाने लगा है, उससे कुलपतियों की नियुक्ति पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति भी विवाद से परे नहीं मानी जा सकती। इस पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले ही वे अनेक बार विवादों में घिरी रही हैं। महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में वे राजनीति विज्ञान की आचार्य हैं। वहाँ रहते हुए उन्होंने गांधी और गॉडसे प्रसंग में ट्विटर पर एक तरह से गांधी विरोधी टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर उन्हें तीखे विरोधों का सामना करना पड़ा था। इसी तरह उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध कर रही धरने पर बैठी मुस्लिम महिलाओं को फिर
फिदायीन कह दिया था। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की अगुवाई करने वाले नेताओं को परजीवी कह दिया था। पैराग्राफ, यह ठीक है कि संविधान में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर जब कोई समाज का जिम्मेदार माने जाने वाला व्यक्ति हल्की बातें करता है, तो उस पर विरोध का स्वर उभरना स्वाभाविक है। शांति श्री पंडित के पहले दिए गए उनके बयानों से उनकी विचारधारा और चीज़ों को देखने की दृष्टि का अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है, इसलिए उंगलियां सरकार पर भी उठनी लाजमी है कि उन्हें क्यों इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। खैर, मनुष्य के स्वभाव और सोच को लेकर उम्मीद की खिड़की कभी बंद नहीं होती। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी जिम्मेदार पद पर पहुंचकर व्यक्ति के कामकाज का तरीका पहले के अपने ढंग से उलट जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई कुलपति विश्वविद्यालय की गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगी। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।